Good afternoon, viewers, from a very warm, humid afternoon from Lahore. मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राहिल करीम है और मैं फेलो हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट का. सो आई हैव थ्री प्रैक्टिसेस, वन इन लंदन, द अदर इन मैनचेस्टर एंड द थर्ड वन, द डियरेस्ट वन इज़ इन लाहौर. तो आज हम बात करेंगे एंगर के बारे में. और दूसरे एंगर में हम जब बात करेंगे तो हम उसके कॉजेज को, रूट्स को, एंड फाइनली मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा इसको, एंगर को मैनेज कैसे करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल ये बड़ा एक रेलेवेंट टॉपिक है, मुल्की हालात की वजह से, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, और जो इस वक्त अनसर्टिनिटी चल रही है हमारे मुल्क में, इससे कुछ ज़्यादा ही गुस्से का इजहार हो रहा है. तो बात सारी ये है कि गुस्सा कई किस्म का होता है. एक तो है कि जो आपका फेयर इंड्यूस्ड एंगर होता है, यानी कि जब आप खौफ की सिचुएशन में होते हैं तो आप एंग्री फ्यूल करते हैं. दूसरा ये है कि पीपल एक्सप्रेस देयर एंगर थ्रू वाल्स इंगेजिंग इन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. तीसरी किस्म के जो हैबिचुअल एंगर और एग्रेशन को डिस्प्ले करते हैं वो प्रेडेटर्स होते हैं. और एक फाइनली जो एंगर है या विच लीड्स टू एग्रेशन is a predatorial kind of aggression which is really quite goal oriented. तो वो एक अपने गोल को अचीव करने के लिए वो गुस्सा करते हैं और गुस्से से वो एंगर और एग्रेशन में कन्वर्ट होके अपने एम्स और टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं. ये बताता चलूँ कि एंगर या गुस्सा एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है. हम सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जब एक हद से ये गुजर जाए और ये परवेसिव और कंटिन्यूस अक्रॉस ऑल सिचुएशंस वेयर इट इज़ नॉट इवन नेसेसरी, वहाँ गुस्से का इजहार करना पैथोलॉजिकल हो जाता है या बीमारी की सूरत अख्तियार कर जाता है. विदाउट बीइंग काइंड ऑफ गोइंग इनटू द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन, हमें पता है कि गुस्सा जो है लिम्बिक सिस्टम, दिमाग में एक एरिया उससे जनरेट होता है, और उसके साथ एक और एरिया है दिमाग में जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं, जो हमारे कनपट्टियों के अंदर होता है. एक और जो सोशल कंट्रोल को चीज़ मैनेज करती है वो हमारे दिमाग का फ्रंट वाला हिस्सा है जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं. तो ये तमाम एरियाज़ इन्वॉल्व हैं, और इन एरियाज़ में जो चेंजेस आती हैं वो बायोकेमिकल चेंजेस हैं. यानी कि सेरोटोनिन एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जब उसकी कमी हो जाती है एक और हमारे अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या लो कॉर्टिसोल लेवल्स, और एक और जो केमिकल है जिसका नाम है डोपामीन. तो इन चीज़ों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है गुस्से को की जेनेसिस में या प्रोडक्शन में. अब हमने मटर्नल एग्रेशन भी देखी है, यानी कि वो एग्रेशन जो माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है. तो उसमें वेरियस अदर हारमोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वेजोप्रेसिन एक हारमोन है और दूसरा ऑक्सीटोसिन है. अगला टॉपिक ये है कि गुस्सा कहाँ से, इसकी जड़ें या रूट्स कहाँ से हैं. तो गुस्सा जो है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये जेनेटिक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इन्वायरमेंटल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर से डेवलप होता है. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ जहाँ के सोशल फैक्टर्स हाईलाइट होंगे. एक शख्स है जिसने बचपन में अपने माँ बाप को गुस्सा करते देखा. वो अपनी उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स गुस्से के मैनेजमेंट में पुअर हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स उस बच्चे के पुअर हैं. और जो जो वो बड़ा होता गया, उसको ये बताया गया कि आपका जेंडर रोल जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आदमी जो हैं बड़े मैस्कुलिन होते हैं, माचो होते हैं, यू विल बी ऑलवेज बी राइट एज़ कम्पेयर टू द वेमेन. तो ये बचपन से ये चीज़ें देखते आते हैं, मॉडल करते हैं बिहेवियर, तो इन लोगों में गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है. तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जीन्स हैं, और हमने स्टडीज़ में देखा है कि जो प्रिजनर्स पे स्टडीज़ हुई हैं व्हेन दे हैव बीन इन प्रिजन्स, तो उनमें देखा है कि हमने साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैसे मरीज़ जो कि जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए हुए, हमें पता है कि उनके क्रोमोसोम्स और जेनेटिक्स में भी इशू है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन. वही शख्स जिसकी कहानी आपको बयान कर रहा था, वो गुस्से को मैनेज करने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल लेता है. हमारे यहाँ ख्वातीन
को जब गुस्सा चढ़ता है और इवन आदमी को गुस्सा चढ़ता है, वो बाज़ार से किसी को भेज के लग्जोटनिल या जैनक्स या वैलियम की गोलियां मंगवा लेते हैं। इसमें ये होता है कि वो आर्जी तौर पे तो ठंडे हो जाते हैं, बट परहैप्स एक बड़ा क्लियरली डिफाइंड एंटिटी है जिसको हम पैराडॉक्सिकल एग्रेशन कहते हैं। तो ये आपका फ्रंटल लोब जो एग्जेक्टिव फंक्शन के साथ जिसका ताल्लुक है वो उस एरिया को इम्पेयर करते हैं। तो लिहाजा आप गुस्सा भले ज़्यादा करते हैं या गुस्सा अगर नहीं भी करते तो उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा है। क्या हम अपने गुस्से को इतना बेकाबू छोड़ देते हैं कि हम किसी को कत्ल कर देते हैं या सीरियसली नुकसान पहुँचा देते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी डायर बिकॉज पीपल एंड अप इन प्रिजंस। हमने थ्रू जब मैं फॉरेंसिक साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता था इंग्लैंड में, सो आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ पीपल जो क्राइम्स ऑफ पैशन, यानी कि वो जेलेसी से फीड होता है एंड वो उसको अपने स्पाउसेस को या अपनी औरतों को कत्ल भी कर देते हैं। इस गुस्से का अगर आप कल्चरल या सोशल एस्पेक्ट भी देखें तो हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसी सिचुएशंस पे गुस्सा करना चाहिए। ऑनर किलिंग्स जो हैं हम देखते हैं हमारे माशरे में, इसमें आदमी को बताया जाता है कि औरत अगर ख़ानदान का नाम ख़राब कर ले या इंडिपेंडेंटली शादी कर ले तो उसका ज़िंदा रहना मुनासिब नहीं है क्योंकि ख़ानदान की इज़्ज़त नहीं रहती। सो सोशल फैक्टर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया जेनेटिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं। हम इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ आएंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आप देखें कि अगर आप एक दिन दफ्तर से निकले हैं, बहुत बुरा दिन आपका गुजरा, आप घर गए, घर जाते हुए आपको लगा कि यार बारिश बहुत हो रही है, पानी बंद है, गाड़ी आपकी बंद हो गई, टेम्परेचर आपका गाड़ी का ठीक नहीं है, भूख आपको लगी हुई है, तो ये इन्वायरमेंटल या फैक्टर्स जो हैं ये भी बहुत हमें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे गुस्से के की पैदाइश में और उसके एक्सप्रेशन में। लिटरेचर में ये लिखा है वासिफ अली वासिफ साहब ने कि गुस्सा एक ऐसा शेर है जो इंसान का मुस्तकबिल तबाह कर देता है, और आई थिंक नथिंग फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। तो गुस्सा तो ये भी बताया गया हमारे मज़हब में कि ये हराम है। अब हमने देखा है कि फ्रस्ट्रेशन जो है किसी भी चीज़ की इज़ द मेजर कॉज ऑफ एंगर एंड एग्रेशन। तो साइंसदानों ने एक हाइपोथेसिस या एक थ्योरी दी है कि फ्रस्ट्रेशन जो है एग्रेशन से लिंक्ड है, और उसका एक हाइपोथेसिस उन्होंने बयान किया है। जब लोगों को ये एहसास होता है कि उनकी दे हैव एन आइडिया के फीलिंग ऑफ इनजस्टिस या उनके साथ गलत काम हो रहे हैं या उनकी तरक्की को, उनकी सोच को, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किसी तरीके से ख़राब किया जा रहा है, तो ये तमाम तर चीज़ें फ्रस्ट्रेशन को लीड करती हैं। फ्रस्ट्रेशन जो है वो एंगर का बायस बनती है, और एंगर जो है उससे एग्रेशन निकलती है। एक पंजाबी की मिसाल है, शायद पता नहीं मुनासिब है कि मेरा इस वक्त देना कि नहीं, कि डिगिया खोते थे तो गुस्सा कम आते। सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वट इज़ नोन एज डिसप्लेस्ड एंगर। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ उसकी तरफ, कि मीडिया में जो है, मैं जितने एडवर्टाइजिंग के लोगों से मिला हूँ या जो मैंने चीज़ें मैस कम्युनिकेशन में पढ़ी हैं, उन्होंने देखा है कि वायलेंस जो है ऑन टेलीविजन एंड मीडिया सेल्स, यानी कि इस अग्रेशन जो है अगर आप वीडियो गेम्स में दिखाएँ, टेलीविजन पर दिखाएँ, घर में दिखाएँ, तो ये जो है स्पेशली ऑन द मीडिया बिकॉज इसकी रीच बहुत है, तो लोग मॉडल करते हैं और लोग अग्रेशन देखते हैं कि ये भी समझते हैं कि शायद ये सही है, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, उनको ये भी पता लगता है और वो नए नए तरीके सीखते हैं एंगर के, अग्रेशन के, वायलेंस के। तो वो ये भी समझते हैं यंग लोग के शायद एक्सेप्टेबल ऐसा करना क्योंकि ये टेलीविज़न पर मैं देख रहा हूँ, मेरे रोल मॉडल्स ऐसे कर रहे हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ मैं आपको गुस्से के और एग्रेशन के इस तरह बता सकता हूँ कि ब्रेन एक बैटरी है, उसमें कुछ एरियाज़ हैं, पहले भी मैंने टच अपॉन किया, एक एरिया है दिमाग का जिसको अमिग्डला कहते हैं, और वो अमिग्डला दिमाग के लिम्बिक सिस्टम के अंदर होता है। तो न्यूरोकेमिकल्स का तो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन कॉजेज ऑफ एंगर में ये भी है कि कुछ लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, यानी कि साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस पर डिबेट है कि ये रूटेड है इन जेनेटिक्स और या वेदर ये इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं, मॉडल करते हैं लोग अपने माँ बाप को एग्रेशन करते हुए। नार्सिसिस्टिक सेल्फ लव जो बहुत एक
आगे बढ़ जाए तो वह भी गुस्से का एक बायस होता है। अब गुस्सा, जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। और अगर आपको लगे कि आपकी शख्सियत में तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिफ़ोर, और आपको लगे कि आपकी शख्सियत में वाज़े तब्दीली आई है और ये तब्दीली 3 से 4 महीने तक चल रही है और पहले आप गुस्सीले शख्स नहीं थे, तो अक्सर इनमें ऐसे अशख़ास में हम ये देखते हैं कि इनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी के भी ये मरीज़ होते हैं। ड्रग एडिक्शन, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, बहुत कॉमन है। गुस्से को लोग मैनेज करने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल, ये तमाम तरह चीज़ें देते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि जब लोग अल्कोहल या ड्रग्स यूज़ करते हैं तो वो नेसेसरली काम नहीं हो जाते, उनका गुस्सा बढ़ जाता है। गुस्सा बढ़ जाता है और इस हद तक चले आते हैं कि गुस्से का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। गुस्सा जो है इनअप्रोप्रिएट होता है टू द इवेंट। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तमाम चार चीज़ें ब्रेन में ख़ास तौर पे एक ख़ास जगह से निकलती हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अंडर डेवलप्ड मुल्कों में हम देखते हैं कि क्राइम रेट्स आर मच हायर, इवन दो दे आर नॉट डिटेक्टेड एज मच। तो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, हेरिटरी फैक्टर्स तमाम तर इन्वॉल्व हैं गुस्से के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इतना तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि गुस्से को या रिएक्शन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत टिप्स हैं, अगर इनमें अगर आपको यूज़फुल लगें तो ये सुनते जाइएगा वीडियो। एंगर इट्सेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स हाउ यू एक्सप्रेस इट और मैनेज इट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो आपको जब एंग्शियस आप होते हैं या एंगर में जाते हैं या एक्सरसाइज में जाते हैं, आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, सांस फूलना शुरू कर जाता है, पट्टे अकड़ जाते हैं। ज़ाहिर है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का एक हिस्सा है, चूँकि एड्रेनलिन निकलती है जिस्म के अंदर। जो ही गुस्सा आएगा, सोच आएगी गुस्से की, तो अलामत आपको फिज़िकल आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको आइडेंटिफाई करें, ये आपके लिए समझें कि स्मोक अलार्म है। इसमें स्मोक अलार्म को बैटरी निकालने से इसका बनेगा नहीं। इसको आइडेंटिफाई करें, रिकग्नाइज़ करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ऐसी कंडीशन में हो तो आप फटाफट विड्रॉ करें सिचुएशन से, नीजक रिस्पॉन्स ना दें, यानी कि एकदम से रिस्पॉन्ड ना करें। और बहुत सारे तरीके हैं जिनमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन है टू काम योर माइंड एंड बॉडी। इम्पॉर्टेंट है अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, टॉक्सिक सिचुएशंस को, टॉक्सिक लोगों को, ऐसे लोग जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके ज़िंदगी में इतने शायद ज़रूरी नहीं हैं। अगर ज़रूरी हों तो उनसे एक ओपन डायलॉग करें, उनको बताएं कि मुझे इस बात पे गुस्सा चढ़ता है, लिहाजा आप ये बात इस तरह नहीं, इस तरह करें। एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। सो नीड टू आइडेंटिफाई एंड चैलेंज नेगेटिव थाट्स, इंक्लूडिंग थाट्स ऑफ एंगर, क्योंकि एंगर में एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है बिल्कुल, और हम ये सोचते हैं कि यार इस शख्स ने हमेशा ही हमारे पे गुस्सा किया। तो इन 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 सोचों को चैलेंज करें और रिकंस्ट्रक्ट करें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग से की डायरेक्शन से इसको देखें, ना कि इसको एक मसला देखें। इबादत से भी गुस्सा कम होता है। एक्सरसाइज तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब आपको गुस्सा चढ़े आप घर से निकल लें, अगर और जाके कोई 500 मीटर, 1000 मीटर, 1 मील की दौड़ लगाएं, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप रिट्रीट करेंगे, विड्रॉ करेंगे और फिर सिचुएशन को रीएड्रेस करेंगे, तो इससे आपके गुस्से का इजहार बेहतर होगा। नाज़रीन, इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की वीडियो का फ़ायदा हुआ तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड स्प्रेड द मैसेज। हमारा स्लोगन रॉयल कॉलेज का वही है, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया।